नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम मनीष कुमार शर्मा फ्रॉम सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर। आज हम कंप्यूटर क्लासिक्स टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के विषय में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? इस साइड में हम देखते हैं इनपुट आउटपुट, और बीच में मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यानी कि सीपीयू। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर टेक इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस आफ्टर प्रोसेसिंग एंड गिव अस रिजल्ट। हम ध्यान से देखेंगे, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलता है, तो इसलिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करने का काम करता है। कंप्यूटर परफॉर्म टू टाइप ऑफ कैलकुलेशन, फर्स्ट इज द अर्थमेटिक, सेकेंड इज लॉजिकल। तो कंप्यूटर दो प्रकार के कैलकुलेशन करता है, मैथमेटिकल यानी कि मैथमेटिक के सवालों को कैलकुलेट करता है, और लॉजिक माने तर्की सवालों को सॉल्व करता है। यदि हम बात करें तो अर्थमेटिक में जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, परसेंटेज निकालना इटीसी। लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स लॉजिकल में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, ये कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है। टेक इनपुट यानी कि किसी भी डेटा को इनपुट के माध्यम से लेता है, उसे सीपीयू में प्रोसेस करता है और उसके रिजल्ट को आउटपुट पर दिखाने का काम करता है। हम देखेंगे व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस विच डिवाइस वी कैन फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का वह भाग जिसके माध्यम से किसी भी सूचना को कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, इंटर करते हैं, फीड करते हैं, दैट इज इनपुट डिवाइस। एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ओसीआर, वीसीआर, माइक्रोफोन, कैमरा इटीसी। यानी कि इनपुट डिवाइस वह है जिसके माध्यम से किसी भी सूचना को कंप्यूटर में हम भेजने का कार्य करते हैं। तो कीबोर्ड से कोई भी A to Z यानी कि A से लेकर Z तक जितने भी अल्फाबेट हैं, इनको हम सीपीयू में फीड कर सकते हैं, और किसी भी नंबर को हम यहाँ इसके माध्यम से फीड कर सकते हैं। कोई भी सिंबल हो, कोई भी डेटा हो, उसे हम कीबोर्ड के माध्यम से फीड कर सकते हैं, इसलिए कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इज द कंट्रोल ऑल आइकन ऑन द डेस्कटॉप एंड ट्रांसफर फीड द डेटा फ्रॉम वन ड्राइव टू अदर ड्राइव एंड फीड द डेटा एंड ऑपरेट द एनी ऑपरेशन बाय द माउस विद द वेरी इजीएस्ट मेथड। यानी कि माउस क्या होता है, हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर रेगुलेट करता है, रन करता है, और किसी भी आइटम को कंट्रोल करता है, और डेटा को ट्रांसफर और फीड करने का भी काम माउस करता है। माउस इज स्पेशली यूज इन क्रिएट ड्राइंग, पेंटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क ऑफ ब्रेन। व्हाट इज द स्कैनर? स्कैनर इज द विच मशीन वी कैन फीड द हॉट कॉपी इनटू द डिजिटल फॉर्मेशन। यानी कि स्कैनर वह माध्यम है जिससे किसी भी प्रिंट आउट पेपर को हम कंप्यूटर में स्कैन करते हैं, यानी कि कॉपी करते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। जैसे कोई हमारे पास पेपर है, इस पेपर को हम स्कैन करेंगे, मान लीजिए एक फोटो है,
जिस फोटो को हमने स्कैनर से स्कैन किया उसका एक डिजिटल फॉर्म हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है. व्हाट इज द जॉयस्टिक? जॉयस्टिक इज द पॉइंटिंग डिवाइस यूजिंग प्लेइंग द गेम एंड कंट्रोल द पॉइंटर ऑफ गेम बाय द जॉयस्टिक. यानी कि जॉयस्टिक का प्रयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं और किसी भी प्लेयर को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. व्हाट इज द लाइट पेन? लाइट पेन इज द यूज फॉर द क्रिएट एनी ड्रॉइंग ऑन ए पैड और ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. यानी कि यह लाइट पेन क्या होता है? ड्रॉइंग को पेंटिंग को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग हम किसी भी पैड के ऊपर या मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर मार्किंग या हाईलाइट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. उस या किसी भी बार कोड को रीड करने के लिए हम OCR का प्रयोग करते हैं. इसे मॉल में देखते हैं जो टैग होता है बार कोड लगा होता है उसे स्कैन करके उसका प्राइस उसका रेट निकालने के लिए प्रयोग होता है. MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. MICR का प्रयोग सबसे अधिक चेक में किया जाता है, बैंक के चेक में प्रयोग किया जाता है जिसमें बैंक की कोडिंग और उस चेक की कोडिंग और उस कोड के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम और वेरिफिकेशन करने के लिए इसका किया जाता है. अब हमने देखा विच पार्ट वी कैन फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज इनपुट डिवाइस. दूसरा पार्ट है हमारे लिए जो सबसे मेन है जिसको हम कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि व्हाट इज द सीपीयू? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन है. वेयर वी कैन टेक एनी डिसीजन, डायरेक्शन, मैनेज द ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यानी कि सीपीयू वह पार्ट है जहां पे डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं. कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी डायरेक्शन होता है या कोई भी कैलकुलेशन होता है या डेटा की स्टोरिंग होती है, हम सीपीयू के अंदर उसे स्टोर करते हैं. तो यहाँ पर सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट. सेकेंड इज द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. थर्ड इज द मेन मेमोरी. व्हाट इज द मेमोरी? मेमोरी यूज फॉर द स्टोर द डेटा. यानी कि मेमोरी का प्रयोग हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर मीन्स विच पार्ट विद द फिजिकल पार्ट वी कैन टच एंड सी. यानी कि कंप्यूटर के वो भौतिक भाग जिन्हें देखा और छुआ जा सके, दैट इज फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर. तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेट द ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यानी कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम और ऑपरेट करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट को हम बोलते हैं मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर. यह कंप्यूटर का मैनेजर होता है जहां पे सारी डेटा स्टोर होती है. व्हाट इज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म ओनली कैलकुलेशन. यानी कि रिसीव डेटा फ्रॉम द सीयू एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक. यानी कि सीयू से जो भी डेटा प्राप्त होता है उसे मैथमेटिकल रूप में कैलकुलेट करने का काम और लॉजिकल रूप में कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा ALU करता है. तो सीपीयू हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं. सारे डिसीजन, सारे डायरेक्शन, डेटा स्टोर करना, अपने सिस्टम को मेंटेन करना या सिस्टम से जितने भी कार्य किए जाते हैं, ऑल वर्क परफॉर्म बाय द सीपीयू एंड टेक ऑल द डिसीजन बाय द सीपीयू. यानी कि सीपीयू के माध्यम से सारा हम कोई भी डिसीजन और कोई भी डायरेक्शन हम लेते हैं. यह हमारा क्लियर है. व्हाट इज द आउटपुट डिवाइस? विच डिवाइस वी कैन सी द रिजल्ट. यानी कि आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जहां पर वी कैन फाउंड द रिजल्ट, वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग. यानी कि आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जहां पे कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के रिजल्ट को हम देखने का कार्य करते हैं
या जहां पर हम रिजल्ट को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो हम देखेंगे कि मॉनिटर, मॉनिटर इज द एग्जांपल ऑफ आउटपुट, आउटपुट एग्जांपल ऑफ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर। मॉनिटर इज द VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को क्या बोलते हैं? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि किसी भी दृश्य को देखना, सीन को देखना, मूवी को देखना, मूवमेंट को देखना या रिजल्ट को देखने के लिए, अल्फाबेट नंबर में देखने के लिए हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर इज द लुक लाइक द होम टीवी, यानी कि हमारे घर में जो टीवी होती है, जो हम उसमें देखते हैं, यानी कि कोई भी पिक्चर, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर या कोई भी ग्राफिक या कोई भी मूवीज हम देखते हैं, यानी कि कोई भी मोशन पिक्चर देखते हैं, वह सब मॉनिटर के ऊपर देखा जा सकता है। मॉनिटर इज द डिफरेंट टाइप। फर्स्ट इज द CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर के एग्जांपल हैं, यानी कि मॉनिटर के प्रकार हैं। इतने प्रकार के मॉनिटर हमारे मार्केट में उपलब्ध होते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब, ये बहुत बड़ा सा होता था, बैक में एक स्क्रीन होती थी और काफी भारी भरकम हुआ करता था। LCD माने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और LED। हम ध्यान देंगे LCD और TFT और LED ये बहुत पोर्टेबल मॉडल होते हैं, बहुत छोटे मॉडल होते हैं। 1 इंच के इसकी थिकनेस होती है और लंबाई और चौड़ाई में ये अधिक होते हैं। इनकी हाई ग्राफिक, हाई क्वालिटी होती है, पिक्सल अधिक होते हैं, ये हाई डेफिनेशन इमेज और ग्राफिक को दिखाने का कार्य करते हैं। व्हाट इज द प्रिंटर? प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर प्रिंट द एनी डेटा ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर मशीन। यानी कि प्रिंटर क्या करता है, किसी भी डेटा को पेपर पर प्रिंट करने का कार्य करता है। प्रिंटर प्रिंट द एनी डेटा ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर मशीन। व्हाट इज द प्रिंटर इज द टू टाइप। फर्स्ट इज द इम्पैक्ट, सेकेंड इज द नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इज द ओल्ड मॉडर्न प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट इज द मॉडर्न प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं? DWP यानी कि डॉट डेजी व्हील प्रिंटर। यानी कि पहले के समय में डेजी व्हील प्रिंटर हुआ करता था और काफी समय लेता था, काफी आवाज करता था, मेक ए नॉइज, बैड क्वालिटी, स्पीड स्लो एंड वेरी कॉस्टली। तो ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर थे। मॉडर्न प्रिंटर इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइक एज लेजर, लाइक एज द इंकजेट। ये सारे प्रिंटर क्या है? आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट इज द मॉडर्न प्रिंटर, स्मॉल साइज प्रिंटर, फास्ट प्रिंटर, कलरफुल प्रिंटर, स्पीड इज द वेरी हाई, क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज द वेरी हाई, कॉस्ट इज द वेरी लो बट नॉन रिलायबल देन द इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट इज द स्पीकर। स्पीकर प्रोड्यूस द साउंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसी भी ऑडियो को सुनने के लिए हम साउंड फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए हम स्पीकर का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द प्लॉटर? प्लॉटर इज द सेम ऑन द वर्क ऑन द प्रिंटर टेक्नोलॉजी, यानी कि यह भी एक प्रकार का प्रिंटर है। प्रिंटर प्रिंट द स्मॉल पेजेस, स्मॉल साइज ऑफ पेजेस, बट प्लॉटर प्रिंट द लार्ज साइज ऑफ पेजेस लाइक एज फ्लैग्स। जो हम फ्लैग्स देखते हैं, बैनर देखते हैं, ये जो बड़े साइज के प्रिंटर पेजों को प्रिंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लॉटर। व्हाट इज द प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर यूज इन द डिस्प्ले या क्रिएट द इमेज ऑन एनी सरफेस एरिया लाइक एज ऑन द वॉल, ऑन द बोर्ड, ऑन द रूफ ऑफ फ्लोर। यानी कि हम प्रोजेक्टर का प्रयोग हम इमेज को देखने के लिए या इमेज को ड्रा कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे स्मार्ट क्लासेस में हम देखते हैं एक मशीन ऊपर से लगी होती है जो फोकस के माध्यम से किसी भी इमेज को वॉल के सरफेस पे, दीवार के सरफेस पे उसे दिखाने का काम करती है, दैट इज मॉनिटर। अब हम देखेंगे मेमोरी। मेमोरी स्टोर द ऑल द डेटा ऑन इट, यानी कि मेमोरी किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करती है। मेमोरी इज द टू टाइप। फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकेंड इज द सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी इज द टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस।
सेकेंडरी मेमोरी इज द स्टोर्ड डेटा परमानेंटली, यानी कि प्राइमरी मेमोरी किसी भी डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करने का कार्य करती है. सेकेंडरी इज द स्टोर परमानेंट डेटा, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है और फ्यूचर में हम उसे रिकॉल यानी कि पुनः उसे हम देख सकते हैं. प्राइमरी मेमोरी एग्जाम्पल इज द रैम एंड रोम. रैम इज द स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम इज द स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. रैम इज टू टाइप, एसडी रैम और डीडी रैम. रोम इज द टू आर मोर टाइप ऑफ, फर्स्ट इज द पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सेकेंड इज द ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी, जहां पे डेटा क्या होती है, टेम्परेरी स्टोर होती है. रैम को हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी और रोम को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी. वोलाटाइल मीन्स टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, जहां पे टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है उसे हम वोलाटाइल कहते हैं. यानी कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, रोम क्या है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है. सेकेंडरी मेमोरी वेयर द डेटा स्टोर परमानेंटली एंड फ्यूचर रिकॉल अस, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और फ्यूचर में उस डेटा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं. जैसे FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, SDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CD एंड DVD कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क, USB यूनिवर्सल सीरियल बस स्टोरेज डिवाइस. नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक टेप, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डिवाइस वेयर द ऑल डेटा स्टोर परमानेंटली, दैट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी. तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर की सबसे अधिक गुण ये है कि वह डेटा को लंबे समय तक स्टोर करता है. डियर्स, आज हम देखेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा. आज हमने इनपुट डिवाइस के विषय में पढ़ा, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के विषय में पढ़ा, आउटपुट डिवाइस के विषय में पढ़ा और आज हमने देखा मॉनिटर और मॉनिटर के टाइप्स, हमने प्रिंटर और प्रिंटर के टाइप्स को पढ़ा और हमने मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को हमने स्टडी किया. तो एक बार रिवाइज करेंगे, इनपुट डिवाइस, विच डिवाइस वी कैन फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज इनपुट डिवाइस. CPU इज द ब्रेन ऑफ द सिस्टम. CPU स्टोर ऑल द डेटा एंड टेक द डिसीजन डायरेक्शन एंड ऑल टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द CPU. CPU हैज द थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज द मेमोरी वेयर स्टोर ऑल द डेटा. कंट्रोल यूनिट CU कंट्रोल द ऑल द हार्डवेयर एंड कंप्यूटर पार्ट्स. अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट वेयर द कैलकुलेट अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वैल्यू. आउटपुट डिवाइस वेयर वी कैन फाउंड द रिजल्ट, सी द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग. द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, MICR. एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर. मेमोरी इज द स्टोर डेटा. मेमोरी इज टू टाइप, फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकेंड इज द सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी इज द रैम एंड रोम. रैम इज द वोलाटाइल मेमोरी. रोम इज द परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलाटाइल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज द स्टोर द डेटा परमानेंटली. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी कैन रिट्रीव द ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी लाइक एस FDD, SDD, CD, DVD, USB एंड मैग्नेटिक टेप. मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप पुनः एक बार देखेंगे और अपने बुक से प्रत्येक टॉपिक को आप स्टडी करेंगे और इसमें दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स को हम अब एक बार भरने का प्रयास करेंगे. बाकी क्वेश्चन आंसर आपको
मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।